Delhi Minister Gopal Roy conducted an inspection of the road conditions across the city, noting that potholes have emerged in many areas following recent rainfall. He attributed the deterioration of Delhi's roads to the period after Arvind Kejriwal's imprisonment. Roy emphasized the government's commitment to addressing these issues, stating, "We decided to visit the roads and ensure they are repaired as soon as possible." बारिश के बाद जगह 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 सड़कों में गड्ढे हुए हैं। पिछले जब से अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार करके जेल में डाला, तब से पूरे दिल्ली के अंदर सड़कों की हालत इन्होंने जो है ना कबाड़ा बना रखी है। जगह जगह सड़कें टूटी हैं, आज बनेगी, कल बनेगी, परसों बनेगी, रोजाना डेट पे डेट पड़ती है और सड़कें नहीं बनती हैं। तो अभी अरविंद केजरीवाल जी जेल से आने के बाद उनको शिकायतें मिली थी, कई जगह उन्होंने दौरा किया, उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मीटिंग करी और कल ऑल मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी और हमने ये निर्णय लिया है कि हम खुद सड़क पे जाकर के चेक करेंगे कि कहां पर क्या स्थिति है और जो भी सड़कें हैं उसे जल्द से जल्द बनाया जाए, जो गड्ढे हैं उनको भरा जाए। तो पूरे दिल्ली के अंदर जो गड्ढा मुक्ति अभियान है वो सरकार ने शुरू किया है और उसके तहत आज सभी मिनिस्टर्स दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो दौरा करके और ग्राउंड रियलिटी को चेक कर रहे हैं, जिससे कि जल्द से जल्द सड़कों को बनाया जाए, गड्ढों को भरा जाए और जिससे कि प्रदूषण में जो डस्ट पोल्यूशन होता है उसको भी रोका जा सके। देखो, अभी जैसा मैंने कहा कि 21 सूत्री विंटर एक्शन प्लान जो है वो सरकार ने तैयार किया है, जिसपे काम हो रही है और उसी के तहत जो डस्ट पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए ही, चूंकि सड़कों का जो डस्ट होता है वो भी लोगों को हार्म करता है। तो आप जैसे, मैं अभी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के क्षेत्र में हूँ, यहाँ पर नूरे इलाही में, अभी यमुना बिहार की तरफ हम जा रहे हैं, अलग अलग इसी तरह से सभी मिनिस्टर्स जो हैं अलग अलग दिल्ली के क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि चूंकि बारिश के बाद सबसे पहले डस्ट पोल्यूशन होता है, धूल का प्रदूषण होता है, तो उसको नियंत्रित किया जाए। 7 तारीख से जो है वो एंटी डस्ट कैंपेन शुरू हो रहा है, उस पर भी पूरे दिल्ली के अंदर टीमें, हम करीब 523 टीमें बना रहे हैं जो फील्ड में उतरेंगे। पूरे दिल्ली के अंदर